सुप्रभात। आज युग निर्माण इंटरमीडिएट कॉलेज देवरिया खास में कक्षा 8 के छात्र छात्राओं का स्वागत है। आज हिंदी पाठमाला 6 पाठ के 6 फूल के बोल, कविता का नाम है फूल के बोल, अर्थात फूल क्या बोलता है, क्या कहता है। इसके लेखक हैं कवि भारत भूषण अग्रवाल। पहले इनका आप संक्षिप्त परिचय जान लीजिए। भारत भूषण अग्रवाल का जन्म उत्तर प्रदेश के मथुरा नगर में 1919 ईस्वी में हुआ था। अंग्रेजी साहित्य में इन्होंने आगरा विश्वविद्यालय से एमए की उपाधि प्राप्त की। कोलकाता के हिंदी साप्ताहिक समाज सेवक का संपादन किया। 12 वर्ष तक वे ऑल इंडिया रेडियो में प्रोग्राम ऑफिसर के पद पर कार्य करते रहे। भारत भूषण अग्रवाल तार सप्तक के कवियों में से एक हैं। इनके 8 काव्य संग्रह, 2 निबंध संग्रह, 1 लघु कथा संग्रह प्रकाशित है। इनकी कविताओं में गहरा सामाजिक सरोकार झलकता है। उठना व सूरज है उनकी प्रसिद्ध रचना है। उन्होंने लिखा है फूल के बोल, अर्थात फूल क्या कहता है। मेरी या आपकी सफलता या उपलब्धि केवल मेरी या आपकी नहीं बल्कि सबकी है, पूरे समाज की है, पूरे परिवार की है। उसके पीछे मेरे आपके कितने ही अपनों का परिश्रम कार्य जुड़ा हुआ है, अर्थात सबका परिश्रम मिला हुआ है। मनुष्य यदि इस सत्य को जानकारी कर पहचान ले, जान ले, तो क्या नहीं कर सकता है, असंभव कार्य भी संभव कर सकता है। कवि ने फूल और बसंत के माध्यम से इसी भाव को अभिव्यक्त किया है। आइए देखते हैं। हंसते खिलखिलाते रंग बिरंगे फूल क्यारी में देखकर मेरा मन तृप्त हो गया, अर्थात कवि का मन तृप्त हो गया। जैसे कि जब फूल क्यारी में लगता है और जब फूल खिल जाता है तो ऐसा प्रतीत होता है सभी लोगों का मन बरबस वह फूल अपनी तरफ खींच लेता है, आकर्षित कर लेता है। नाक से और सिर तक, प्राणों से पैर से लेकर के सिर तक, शरीर के सभी अंग उसकी गंध से अर्थात फूल की सुगंध से प्रभावित हो जाते हैं, सुंदर आकर्षित हो जाते हैं। आंखों में हो गई रंगों की बरसात, अनायास कह उठा। आंखों में ऐसा लगता है कि एक नया रंगत आ गई है और अनायास वह कह उठता है कि वाह धन्य है बसंत ऋतु। आप जानते हैं जब बसंत ऋतु का आगमन होता है, कवि भी कहते हैं कि लौटने को पैर ज्यों आगे बढ़ाए, अपना ज्यों पैर आगे बढ़ाते हैं, अर्थात हम इस धरातल पर जैसे ही अपने पैर को मन को आगे बढ़ाते हैं तो देखते हैं क्या मिलता है। हर पेड़ पौधे नए पत्तों और फूल फूलों के साथ सज धज कर तैयार रहते हैं, अर्थात बड़ा ही सुहावना मौसम होता है। और उसी मौसम में क्यारी के कोने में दुबका एक नन्हा पौधा बोल पड़ा। क्यारी के छोटे कहीं किनारे कोने में एक छोटा सा पौधा था। बसंत ऋतु में वह भी प्रसन्नचित्त होकर ऐसा दिखाई देने लगा, अर्थात वह कह पड़ा, बोल पड़ा कि मैं भी एक छोटा सा पौधा हूँ। यह बसंत ऋतु को अपने आप को मैं सौंप देता हूँ कि हमारी कुछ प्रगति हो, हम भी बढ़ जाएं। धन्य है बसंत ऋतु ठीक है, पर उसकी धन्यता उसकी कमाई नहीं हमने रची है। बसंत ऋतु में कभी कहता है कि उसकी कमाई नहीं हम व्यक्तियों की, हम जैसे मानवों की यह कमाई है और उस पर हमें गर्व है। हमने इस पूरे फूल के अर्थात सभी पौधों को, जितने भी छोटे पौधे हैं सबको मनुष्य ने
उसे संवार करके सजा करके रखा है, जो कि आज बसंत ऋतु में खिलखिला रहे हैं। हमने यानी मैंने कवि ने मुझ जैसे मेरे अनगिनत साथियों ने जिन्होंने इस क्यारी में अपने अपने ठाँव पर इस क्यारी में अर्थात मिट्टी की क्यारी बना करके जब फूलों के पौधों को लगाया जाता है अर्थात जमीन में उसे रख दिया जाता है तो वह अपने स्थान पर धीरे धीरे प्रगति करके बढ़ता है और एक दिन जब बसंत का मौसम आता है तो वह खिलखिलाकर हंसने लगता है अर्थात उसके फूल खिल जाते हैं और धूप में बरसात में जाड़े में सर्दी में सब में वह एक पांव पर खड़ा रहता है, इधर उधर नहीं होता है। हवा आती है हवा के झोंकों से वह इधर उधर जाता है लेकिन कोई असर नहीं पड़ता है। वह तैयार है तुमने ऋतु को बखाना अर्थात ऋतु का बखान किया। बसंत ऋतु को सब लोग बखान करते हैं पर क्या कभी पल भर भी तुम उस लव को भी देख सके। बसंत ऋतु के जो पौधों पर जो जादू सा असर होता है उसके बारे में क्या आपने पल भर भी कभी सोचा है? मैंने और इसने उसने यानी मेरे एक एक साथी ने मिट्टी का अंधेरा फोड़ा, मिट्टी की जुताई की, उसकी मड़ाई किया और उसमें से खरपतवार निकाले अर्थात उसको ठीक करके पौधों को लगाया गया और वह पौधा आज तैयार होकर के बसंत ऋतु में प्रसन्न चित्त है, मुस्कुरा रहा है, खिलखिला रहा है, उस अंधेरे मिट्टी की कोख से बाहर निकल गया है, सूरज सी आँखें मिलाई हैं। यदि जानते हो तुमसे भी रंग जाती एक ऋतु अर्थात बसंत ऋतु में भी जब पौधा बड़ा होता है तो सूरज से सीधे अपनी आँख मिला लेता है और कहता है कि सूरज हम भी तैयार हो गए हैं, सज धज करके हमारी हमारा जो फूल है पंखुड़ी है वह खुल करके खिलखिला करके आपके सामने खड़ी है। इसी दिन का हमें इंतजार था। बसंत को धन्यवाद देते हुए कवि ने भी कहा है कि बसंत ऋतु का जो मौसम होता है वास्तव में बड़ा ही प्रसन्नचित्त और सुखदायी होता है। आइए इस शब्दार्थ को, शब्दार्थ भी है आपका तृप्त का अर्थ होता है संतुष्ट, गंध माने खुशबू सुगंध अनायास होता है बिना प्रयास के, दुबका माने छिपा हुआ, ठाव स्थान बखान करना माने प्रशंसा की। आप अपने इस पाठ को शब्द अर्थ और प्रश्न उत्तर आपके व्हाट्सएप पर भेजा गया है, इसे लिख करके और याद करेंगे। धन्यवाद।